माजी पंतप्रधान चंद्रशेखरजी यांच्या 10व्या पुण्यतिथीनिमित्त पुण्यातील पुरंदवाडी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी स्वर्गवासी माजी पंतप्रधान चंद्रशेखरजी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना वंदन करण्यासाठी एकत्र आले होते. माजी पंतप्रधान चंद्रशेखरजी यांच्या 10व्या पुण्यतिथीनिमित्त पुण्यातील परंदवाडी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विविध क्षेत्रातील मान्यवर स्वर्गवासी माजी पंतप्रधान चंद्रशेखरजी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना वंदन करण्यासाठी एकत्र आलेत. यावेळी मुंबईचे कॅप्टन CDN सिंग, वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम सिंग त्यागी, ओम प्रकाश सिंग, अभय मोकाशी, पुण्यावरून राजू मोहन धारिया, संजय किशोर पवार, लक्ष्मण दरोले, प्रवीण तरवडे, नाना घोडे, रंगा शेठ, BD कोथकार, चंद्रशेखरजी विचार मंचाचे प्रमोद राणा आदी मान्यवर उपस्थित होते. पहले तो मैं सबसे बड़ा आभारी कैप्टन सीडीएन सिंह साहब जी का देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे एक 10 साल पहले मुझे बोले कि चंद्रशेखर जी इतने महान नेता हैं और परंदवाड़ी में उनका एक भारत यात्रा केंद्र भी है और कलश भी वहाँ पर रखा हुआ है और आप पूना में रहते हो तो कुछ करो. तो उस टाइम से मैं इनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि दोनों मनाता हूँ. पर मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी के विचार और हमें आगे लेके जाना चाहिए. कल जब मैं स्वर्गीय मोहन धारिया जी के पुत्र राजू धारिया जी के ऑफिस में गया, पहली बार मिला, वो इतने खुश हो गए जब मैं उनको बोला कि आपको आना है और आज उपस्थित है. वैसे ही एक हमारे प्रवीण दरोडे जी हैं, इनके पिताजी भी चंद्रशेखर जी के साथ रहते थे और उनको भी बोला, मैं पिछली बार भी बोला था, वो आने वाले थे लेकिन किसी कारण नहीं आए, इस बार आ गए. बॉम्बे से हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुकाशी साहब हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार ओपी सिंह जी हैं, और जो महाराष्ट्र में जब मैं पहली बार आया था और जिन्होंने महाराष्ट्र की धरती की ज्योग्राफी और महाराष्ट्र की राजकरण समाजकरण मेरे को उंगली पकड़ के सिखाने वाले हैं, वो हमारे प्रीतम सिंह त्यागी जी हैं. सबको हक है राजनीति करने का, लेकिन राजनीति करने के पहले बहुत कम ऐसे देश में नेता हुए इस भारत देश में जो पहले देश को समझने की कोशिश किए होंगे. उसमें से हमारे एक स्वर्गीय चंद्रशेखर जी थे जो जम्मू काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा किए थे और देश के हर गांव को, हर जाति को, हर समाज को, हर किसान को, हर मजदूर को समझी और फिर उस तरह से इम्प्लीमेंट करते थे. उसी तरह से हमारे स्वर्गीय महात्मा गांधी जी हुआ करते थे. स्वर्गीय महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से आए तो उनके गुरु इसी पूना शहर में गोखले जी थे. वो गोखले जी को मिले, बोले मुझे देश सेवा करना है. तो उनके गुरु गोखले जी ने बोला कि आप देश सेवा ऐसा नहीं कर सकते, पहले आप देश के बारे में जानिए. तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं यात्रा करता हूँ. उन्होंने पूरे भारत देश का भ्रमण किया और उसी बिहार के पश्चिम चंपारण में, जहाँ से मैं हूँ, मेरी जन्म स्थान भी है, बहुत गर्व की बात है, वहीं से उन्होंने आंदोलन चालू किया. तो मेरा कहने का मतलब है कि आज जो राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो देश के लिए नहीं कर रहे हैं, वो खुद के लिए कर रहे हैं. वो मुझे बहुत दुख होता है. मैं नौजवान हूँ, मैं चंद्रशेखर जी के विचारों से बहुत प्रभावित हूँ. मैं विचार फैले हुए हैं कि मैं जैसे ही बोलता हूँ कि चंद्रशेखर जी के बारे में मैं पुण्यतिथि जन्मतिथि मनाता हूँ और मुझे चंद्रशेखर जी विचार मंच के पुना में चालू किया हूँ मैं, उसमें आप लोग जुड़ो, तो कोई ना नहीं बोलता है. इतने प्रेम है चंद्रशेखर. चंद्रशेखर जी भले ही उत्तर भारत में उनकी जन्म हुई होगी लेकिन मेरे हिसाब से उनकी कर्म भूमि पूना थी. वो कभी भी मौका लगता था दिल्ली से, बलिया से, बिहार से, तो पहले पूना को प्रायोरिटी देते थे कि मैं वहां जाऊंगा, वहां के लोगों के साथ रहूंगा, मिलूंगा. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी चंद्रशेखरजी यांना मानवंदना केली आहे आणि त्यांच्या जीवनातील प्रसंग यावेळी आपल्या भाषणातून मांडलेत. आज मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, इनके विचार मंच के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे इनके चंद्रशेखर जी के जो विचार हैं जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सेकुलरिज्म हो, इक्वालिटी हो, एक ही बात आप लोगों ने बोला है, इसके लिए एक बात हमेशा याद आती है. जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने भाषण किया था, उन्होंने उस वक्त कहा था जब प्राइम मिनिस्टर थे कि अपने घर का बच्चा जब गलती करता है तो हम उसको गोली नहीं मारते, उसको समझाते हैं. जम्मू कश्मीर के बच्चे अपने हैं तो इनको हमने गोली नहीं मारनी चाहिए, इनको समझाना चाहिए. मेरे ख्याल से ये एक सीख भी अपनी सरकार सीख ले तो भी बहुत बड़ी चीज़ है. बहुत शेखर जी के अंदर
ये क्लैरिटी थी पूरे देश को लेकर के, समाज को लेकर के, समता को लेकर, समानता को लेकर के। आज एक बहुत अच्छी बात है कि हरियाली के सुपुत्र यहाँ आए हुए हैं, इनको देखने के साथ ही पुराने दिनों के चंद्रशेखर, ये पुणे और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की देश की रीढ़ और देश का दिल दोनों मिल करके किस तरह से समता और समानता की बात करते थे। प्रिवी पर्स के मामले हों, गरीबों के मुद्दे हों, राष्ट्रीयता की बात, चंद्रशेखर एक राष्ट्रीयता का नाम है, एक प्रतीक है वो इस देश के मनुष्य को समझने और जोड़ने के, एक समाज को समझने के, सामाजिक समाज को समझने और जोड़ने के। और मोहन धारिया और चंद्रशेखर आज दोनों को एक साथ मैं स्मरण कर रहा हूँ, और सचमुच में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों को एकाकार करके ही इस देश की रचना हो सकती है और होती रही है, और शायद लौटने के बाद हम लोग कुछ जरूर ऐसा करेंगे। चंद्रशेखरजींची विचार आहे माझ्या वडिलांची, आणि चंद्रशेखरजींची एक वेगळीच दोस्ती होती, एक वेगळंच नातं होतं, ते कौटुंबिक पण होतं, राजकीय दृष्ट्या विचार एकमेकांचे सारखे जुळत होते असं नाही, परंतु ते नेहमी चर्चा करायचे, कुठलाही मुद्दा असू दे, राष्ट्रीय असू दे, कुटुंब कल्याणाचा असू दे, की कुटुंब नियोजनाचा असू दे, की झाडांचा असू दे। मला एक प्रसंग आठवतो, 84 साली जेव्हा धारियासाहेब इलेक्शन हारले तेव्हा चंद्रशेखरजी पुण्यात आले होते आणि ते म्हटले तुमको दिल्ली होना चाहिए, अब यहां बैठ के क्या कर रहे। त्यावेळेला धारियासाहेब म्हटले की मी मंदराई नावाची एक माझी संस्था चालू करतोय, जे गावागावामध्ये लोकांना शाश्वत विकास घडून आणू आणि ज्याच्यामुळे भारताचं खरं निर्माण होईल, तुम्ही पण ह्याचा विचार करा। आणि त्याच्यानंतर चंद्रशेखरजींनी नंतर एक 10-15 वर्षानंतर जेव्हा ते परत आले होते आमच्या काही गावाला त्यांनी भेटी दिल्या, ते म्हणले मोहन आप जो बोल रहे थे मेरे को भी आपको जैसे ही करना चाहिए आणि आपका काम बहुत दिनों तक चलेगा और इसी की देश को जरूरत है। कार्यक्रमाच्या शेवटी चंद्रशेखरजी विचार मंचाचे प्रमोद राणा यांनी सर्व मान्यवरांचे आभार मानले। प्रतिनिधी सूरज कांबळे, जीवन न्यूज, पुणे मेट्रो, पुणे।